अंदर रह गई थी छोटे भाऊ को देखने के लिए, और मेरे जो साथी थे वो सब खाना खाने पहुंच गए हैं। देखो तो ऐसे दिखा रहे हैं खाने। और मैं देख के आई हूँ कमू को, कमू ने बहनी ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा दे अपने मोबाइल से। सबसे खास मैं अपनी मम्मी की फोटो दिखाती जो मेरे पास ना बहुत पहले से पड़ी है और मैंने भी रखी हुई, और मम्मी के साथ ना मेरी। हेलो माय ट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 1:30 बजे से, और बच्चे भी आ गए हैं घर, और लोगों भी नहा रहे हैं, और गुंजन हो रही है तैयार। हमारे वहाँ आ रखा है सुधांशु तैयार हो गया कुर्ता पैजामा में, क्योंकि हमें जाना है कहाँ गुनो? निमंत्रण में, बगल में ना नामकरण है। तो कल हमारे वहाँ भी ना निमंत्रण पत्र आया था, तो चलो निमंत्रण मान के आते हैं। ये रहा निमंत्रण पत्र, राम सिंह ग्यारह कोटी नामकरण संस्कार प्रतिष्ठा में श्री यम श्रीमती यम श्री राम सिंह ग्यारह कोटी। तो जाके आते हैं, और आज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या पहनूं मैं, क्योंकि मेरे पास ना गिने चुने कपड़े हैं, ज़्यादा है नहीं। जो मतलब मैं पहनती हूँ ब्लॉग में देखते ही होंगे, लेकिन उसके अलावा ना कुछ कपड़े हैं ही नहीं, तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या पहनूं। और मैं ना वैसे कपड़े ना बहुत कम बनाती हूँ, जो है मैं मतलब 3-4 ही सूट है मेरे पास गिने गुने हैं, गिने चुने ही हैं मतलब। और तो एक सूट है जो मैं बहुत कम पहनती हूँ, और ये सूट दिया था मुझे मेरे हस्बैंड जी ने गिफ्ट, बहुत पहले दिया था ये, तब तो लॉकडाउन भी नहीं लगा था, तो उस टाइम का सूट है, उससे पहले का सूट है ये। तो सोच रही हूँ कि मैं आज इसको वेयर करूँ, तो पहनते हैं इसी को। और ऑप्शन तो कुछ है नहीं, बस वो फ्रॉक फ्राक है मेरे पास एक दो जोड़े, और एक दो जोड़े सिंपल से वो कुर्ती प्लाजो वाले हैं, बस आज ना इसी को। तैयार हो गया और लोग तैयार हो रहे हैं, तो मैं भी ना तैयार हो जाती हूँ, तो पहनते हैं वाला सूट। मैं हो गई हूँ तैयार, और कैसे लग रही हूँ जरूर बताने वाले सूट में, क्योंकि ना ये वाला सूट मैं बहुत कम पहनती हूँ, तो मुझे ना थोड़ा अटपट अटपट चुभन चुभन हो रही है इसमें, क्योंकि ना अंदर से ना अस्तर वाला कपड़ा है तो ये चुभता है। तो सब लोग ना मेरा वेट कर रहे हैं, तो चलते हैं और आपको भी ले चलती हूँ मैं नामकरण। अभी मैं आ चुकी हूँ नामकरण संस्कार में, और नामकरण तो हो चुका है शायद सुबह तो नाम क्या पढ़ा, हम लेट से पहुँच गए। नाम क्या पढ़ा से पढ़ा है नाम, और छोटे बेबी को दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये रहा छोटा सा बेबी, देखो कैसे देख रहा हो, कैसे देख ले, हाय बोलो, हाय भी बोल रहा है, हाय बोल रहा हाँ से। तो ये रहा, और ये रही मम्मी छोटे बेबी की। तो देखो मैंने ना इनके साथ फोटो भी खींचे, छोटे छोटे घर आए थे आप लोग, और खाना वाना खा के आते हैं। तो अब ना खाना वाना खा के आते हैं, मैं ना अंदर रह गई थी छोटे भाऊ को देखने के लिए, और मेरे जो साथी थे वो सब खाना खाने पहुंच गए हैं, खाना खा के आते हैं। हम यहाँ पे खा रहे लोग खाना, और लोग और गुनु वहाँ पे क्या, तो हम भी खाना वाना खा रहे थे, और हमारा खाना वाना भी हो गया है। और मैं ना आंटी से मिलाना चाहती हूँ आपको, ये हमारी आंटी, हमारे जो पीछे वाला घर है ना, तो ये आंटी का ही है जिसमें हम रहते थे पहले, उसमें रहते थे आंटी ना, और अल्मोड़ा से है आंटी हमारी। तो मैं ना कम्मू के लिए खाना ले जाती हूँ, क्योंकि उनको आई फ्लू हो रखा है, तो आ नहीं रहे, तो उनके लिए खाना मैं घर पर लेके आती हूँ। तो मैं लेके आ गई हूँ कम्मू के लिए खाना, भर भर के थाली लेके, पेट भर के खाना, मुझे हो रहा है गया। तो हम दोनों ना खाना देके आ गए हैं, ये गए थे बगल वालों को, देखो तो ऐसे दिखा रहे खाली, और देके आए हो कमू को, कमू ने भी खा लिया, तो ये थाली वाले देके आते हैं। हम ना नामकरण में वापस आ गए हैं खाना देके उनको, और हमारे चैनल को बहनी ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा दे अपने मोबाइल से। क्या नाम है आपका?
उम्र में हमारे वहाँ भी रहते हैं। तो वही हमने खाना पीना भी खा लिया है और यहाँ पर और भजन गा रही है। तो गुंजर ना यहाँ से उठ ही नहीं रही, यहीं पे बैठे हैं। देखिए छोटे छोटे, और किसी को ना अगर यह से कोई नया नाम है जब तो कमेंट में जरूर बताना है कि यह से कुछ नया नाम है। तो और बॉयज़ तो आप यहाँ से चलते हैं हम लोग घर को, क्योंकि थोड़ा ना बच्चों को काम भी कराना है, ऊपर से ना मुझे दिन में सोने की आदत है जब तो नींद जैसे भी आ रही है। हाँ आ जा, लोगों को पहुंचा के आगे मैं घर आ जा। तो हम लोग पहुँच चुके हैं घर और कपड़े वपड़े चेंज करते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर शाम को मिलेंगे आपसे। तो अभी समय है 6:45 का और गुंजन कर रहे हैं नीचे वाले कमरे में अपना काम स्कूल का, और लोक महाराज यहाँ पे ना पुरानी फोटो देख रहे हैं। आज नामकरण को देख के ना गुंजन को बताने की याद आई, सारी फोटो निकाल दी उसने पुरानी जो मैंने रखे थे अपने नामकरण की, देख रही थी वो कहाँ गई दीदी की नामकरण की फोटो, और अपने पापा को कह भी रही थी कि पापा को ना शादी में व्हाइट कोट पैंट मिला, उसके अलावा और कुछ नहीं पहन सकते थे। मैंने बोला कि अपने पापा से ही बोल रही ये बातें। तो गुंजन की फोटो दिखाते नामकरण की, मैं देखो ऐसे दिखती है, टकली भी है, टकली भी है, लकू की टकली भी है, और लकू की तो नामकरण की है बच्चे जैसे लग रही थी। और मेरे हस्बैंड जी देखो ये होगी कम से कम 17-18 ऐसे साल के होंगे शायद, ये तो इतने पतले थे देखो, वही इंसान है ये जिनसे मैंने शादी की है बता नहीं। और फिर ये जो जब हमारी शादी हुई थी ना उस टाइम, उससे थोड़ा आगे की फोटो शायद इनकी है, तो यहाँ रखे हैं। और सबसे खास मैं अपनी मम्मी की फोटो दिखाती जो मेरे पास ना बहुत पहले से पड़ी है और मैंने भी रखी हुई है, और मम्मी के साथ ना मेरी पोथी वाली मौसी भी है और एक दूसरी मौसी भी है। मम्मी तो नानी सबसे बड़ी, नानी बीच में है, मेरी मम्मी ना बीच में है, और कितनी दुबली पतली है दिखाती हूँ, सबसे बड़ी भी है नानी बीच में ना, देखो कितनी पतली है मेरी माँ, और बीच में भी है लंबी, लंबी भी है ना, और यहाँ पे बैठी है नानी। कल जी मुँह कहाँ पे इसमें कौन सा नंबर पे है मम्मी मेरी, लखू के हाथ, हाँ लखू ने बता दिया यहाँ पे नानी। तो बाकी ना ये सब पुराने फोटोज हैं, ये शादी की, हाँ देखिए आपने तो एल्बम देखी है मेरी शादी की, ये देखो देखती देखती, ये है हस्बैंड जी देखो, ये तभी गुंजन करती है व्हाइट सर्टी व्हाइट कोट पैंट मिला पापा को करके, आपको पिंकी साड़ी मिली थी, मुझे पिंकी मिली यार देखो ये पिंक साड़ी, ये फोटो, और उस टाइम ना मेरा सबसे खास दिन कोई भाग आया मेरे चेहरे अभी भी उसमें, मुझे सबसे खास दिन की फोटो लग रही है, उस टाइम मेरा मुंह गोल था, गोल जैसा लग रहा, और अब ना थोड़ा लंबा जैसा हो गया, डिब्बा जैसा, पहले कितना गोल गोल था देखो, अब थोड़ा सा लंबा हो गया, लंबा क्या थोड़ा बद, यहाँ से दांत निकाल देना मैंने किनारे से, तब उसके वजह से लगता है। फोटो शोटो भी दिखा दी मैंने अपने पुराने, आपको हस्बैंड जी कैसे दिखते थे, मम्मी कैसे दिखती थी, गुंजन कैसे दिखती थी, एक ये हमारी हमारी नहीं है कि मैं कैसे दिखती थी। अभी कभी शरण जाऊँगी ना वहाँ होंगे तो फिर बताऊँगी आपको, और अब लोगों को पढ़ाती हूँ और ब्लॉग को भी यहाँ पर एंड करती हूँ। आई होप कि आज की ब्लॉग आपको पसंद आए, अगर आती तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं मिलूँगी जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय देव उत्तराखंड, बाय 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 बाय। बोलो बाय बाय की फोटो बाय 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 बाय।